हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिस तरीके से होटल और रेस्टोरेंट में बनते हैं बिल्कुल वही स्टाइल में आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हाफ के जी से कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और चिकन को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा, पानी बिल्कुल निकाल लेना है यहाँ पर। तो इसमें हम चलिए अब इसमें थोड़े से मसाले हम ऐड पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना 2 चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा और इसमें डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से नमक, और हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी यहाँ पर जो है थोड़ा ही थोड़ा हम मसाला डालेंगे और ज्यादा नहीं क्वांटिटी में डालना है, बस थोड़ा ही थोड़ा अभी इस टाइम पे हम डालेंगे और बाकी जो मसाले होते हैं बाकी हम मैरिनेट के बाद हम डालेंगे, ठीक है। अब इसमें डाल दीजिए हाफ ना लेमन का जूस। यहाँ पर अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप क्या करेंगे, विनेगर डाल दीजिए। तो इसलिए ना इसमें डालने से ना ये जो है चिकन आपकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी होगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक एक पीस में जो है अच्छे से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से, और इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आप इसे आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए आप ना इसे ढक करके फ्रिज में रख दीजिएगा। इसे अच्छे से जो है बहुत अच्छे से ये अंदर से बिल्कुल जूसी बन जाएगी। तो चलिए इसे हम मैरिनेट मैंने कर लिया है और अब इसे हम ढक देंगे आधे पौन घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप 1 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आधा घंटा ही रखा है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब जो बाकी के मसाले हैं तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर यूज कर लेंगे। अब इसमें डाल दीजिए अपना फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 पीस हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर डाल दीजिए कसूरी मेथी, यहाँ पर डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा और डाल देते हैं 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया। इन सारी चीजों को अगर डालेंगे ना आप तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब जो है यहाँ पर डाल देंगे 1 अंडे, 1 अंडे को तोड़ करके इसमें डाल दीजिएगा। इससे जो है ना बहुत अच्छा सा क्रंच आता है अंडे डालने से, और इसकी जो है क्रंची बनाने के लिए हम इसमें और भी कुछ ऐड करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले में। इस तरीके से ना, जिस तरीके से ना रेस्टोरेंट में आपने पकौड़े अगर खाए होंगे ना, तो ये वही फ्लेवर आज आप अपने किचन में पाएंगे। तो चलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी आप ना बड़े चम्मच से 3 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा डाल देंगे ना तो इसके जो है जिस तरीके से आप पकौड़े बनाते हैं कुछ इसके ना, तो बस उसी तरीके से बन जाएंगे। तो हमें ज्यादा इसकी पकौड़े के जैसा नहीं, वैसा नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसके क्रिस्पी करने के लिए क्या करेंगे, 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर का यूज कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्रिस्पी आएगी और टेक्स्चर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम इसे रेस्ट पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है ये पकौड़े बनाने के लिए। तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से सन चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। इस तरीके से हम उठाएंगे और ऑयल में इसे डिप कर देंगे। तो चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुकी है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अभी हम इसे पकाएंगे, उसके बाद ना गैस को मीडियम करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसे हम एक एक पीस उठाएंगे और हम ऑयल में डालते हुए चले जाएंगे। तो हमें ज्यादा नहीं डालना है, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप यहाँ पर ज्यादा पीस डाल दीजिएगा, नहीं तो अगर छोटी हो तो आप थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये दो है एक दूसरे से ना चिपकती चली जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये जो आपकी बन रही है ना ये पकौड़ी है ना, चिकन पकौड़े बहुत ही अच्छी और बिल्कुल लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने इसमें आपको चाट मसाला नहीं बोला था, तो चाट मसाला भी जरूर से ऐड कर लीजिएगा, मैंने यूज किया था। तो इसे आप क्या और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, एक अच्छा सा चटपटा सा स्वाद आता है इसमें। तो इसमें हम जितना सा स्पेस हो आप उतना ही डालिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाल दिया, कुछ सेकंड आप इसी तरीके से आप पकने दीजिएगा, उसके बाद ना आप चम्मच लगाइएगा,
उसके बाद इसे आप टर्न कर लीजिएगा। अब गैस का फ्लेम ना मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पर इसे ना अच्छे से पकने दीजिए ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाएगी और ऊपर से भी अच्छे से लाल होती चली जाएगी। तो दोनों चीज अच्छे से पकती चली जाएगी। तो चलिए इसे मैंने अच्छे से टर्न कर लिया है और इसे हम पेशेंस के साथ फ्राई करेंगे, तभी आपकी बहुत अच्छे से ये पकौड़ियाँ तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है। मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इस पकौड़े को मैंने फ्राई किया है और ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, देखने से ही क्रिस्पी बन लग रही है ना, खाने में यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को आप तैयार करके जरूर से देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और अपना फीडबैक मुझे जरूर से दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये देखिए पहला बैच मैंने इस तरीके से मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो इसी तरीके से बाकी जो बचे हैं तो सभी को हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए पहला बैच तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब दूसरे बैच को भी हम इसी में डाल देंगे। तो इस टाइम पे ना आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, लो फ्लेम पर थोड़ा सा ऑयल का टेम्परेचर लो होने दीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर पीसेस को डालिएगा। क्योंकि क्या होगा कि हाई फ्लेम पर जो ये पका हुआ चीज है बिल्कुल हाई है और तेल जो है बिल्कुल गर्म है, इस चीज का ध्यान रखना है, हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए जो बैटर आपकी बची हुई है तो इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो ये देखिए सभी पकौड़ियां मैंने इस तरीके से, मैंने चिकन पकौड़े बनकर के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा आप चाट मसाला को स्प्रिंकल कर लीजिए, खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो सभी पीसेस एक से एक हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल लाजवाब बन के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।